is given as 4 root 6 divided by root 2 plus root 3. We have to find the value of this whole expression. तो पहले वाले सवालों जैसा ही है ये, और given x is equal to 4 root 6 divided by root 2 plus root 3. अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो इसे हम लोग 2 times root 3 2 times root 2 multiplied by 2 times root 3 भी कर सकते हैं. 2 into 2 4 हो जाएगा, root 2 into root 3 root 6 हो जाएगा, root 2 plus root 3. ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि यहाँ 2 root 2 और यहाँ पे 2 root 3 है. अब इसके बाद इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं. एक तो x divided by 2 root 2 is equal to 2 root 3 divided by root 2 plus root 3. ये हो सकता है. और दूसरा, एक बार 2 root 2 को नीचे ले गए, और दूसरा x divided by 2 root 3 is equal to 2 root 2 बच जाएगा यहाँ पे. इस बार क्या किया, 2 root 3 को नीचे ले गए, root 2 plus root 3. This implies x plus 2 root 2 divided by x minus 2 root 2 is equal to 2 root 3 divided by root 2 root 3 minus root 2 plus root 3 root 2 plus root 3. ठीक है. उसी तरह ये हो जाएगा x plus 2 root 3 divided by x minus 2 root 3 is equal to 2 root 2 plus root 2 plus root 3 divided by 2 root 2 minus root 2 plus root 3. अब यहाँ पर तो ये जो दिख रहा है वो इसके जैसा है, उसी तरह ये इसके जैसा है. आगे लिख लेते हैं, 2 रूट 3 में रूट 3 जुड़ेगा तो 3 रूट 3 आ जाएगा, ये अकेले रूट 2 बच जाएगा. 2 रूट 3 में एक रूट 3 जाएगा तो सिंगल रूट 3 बचेगा, रूट 3 माइनस रूट 2. यहां पर न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 रूट 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस अकेला रूट 3. 2 रूट 2 में एक रूट 2 गया है तो पॉजिटिव रूट 2 हो जाएगा और माइनस रूट 3 हो जाएगा. इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ, यहाँ रूट 3 माइनस रूट 2 3 रूट 2 प्लस रूट 3. तो अब देखिए ये ऐसा है और ये ऐसा है. इन दोनों इंफॉर्मेशंस को हम लोग 1 और 2 मान लेते हैं. यहां पे हम लोग बोलेंगे यूजिंग 1 एंड 2. अच्छा, ये हम लोगों ने इससे ये कैसे किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो से. इससे ये कैसे किया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से. तो अब जो भी कैलकुलेट करना है बस सीधे वैल्यूज प्लग इन करना है 1 और 2 से, प्लस x प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 3 रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड, और आप देख सकते हैं दोनों में डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस रूट 2 है. सीधे ही करे दे रहा हूं मैं इस बार. और यहाँ पर ये नेगेटिव ले लेगा माइनस 3 रूट 2 और ये नेगेटिव ले लेगा माइनस रूट 3. 3 रूट 3 में एक रूट 3 गया तो 2 रूट 3, और रूट 2 में से रूट 2 में से 3 बार रूट 2 गए तो माइनस 2 रूट 2 आएगा, रूट 3 माइनस रूट 2, फिर से 2 कॉमन ले लीजिए, रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस रूट 2. अब ये दोनों कैंसल हो गए और हमारे पास बचा 2. तो फिर से देखिए बच्चों, हमारा आंसर 2 आ गया है. जो सीक्रेट की बात मैं कर रहा था वो सीक्रेट यही है कि इस तरह के क्वेश्चन में जहां अलग अलग करते हैं, फिर दो वैल्यू निकाल लेते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो करके, फिर उसके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको यूज करके थोड़ा कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 2 ही आए।